हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में दोस्तों आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी 2019 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 19 फरवरी 2019 से सॉरी 11 फरवरी 2019 से तो उसके हिंदी के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को एक जगह कलेक्ट करके जितने भी क्वेश्चन आपने हमें बताए हैं उन सब को साथ ही साथ कुछ दूसरे जगह से भी कलेक्ट करके उन सब क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा किया गया है और आपके सामने लाया गया है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन जितना भी उपलब्ध हो पाया है उन सभी को एक जगह किया गया है क्योंकि हिंदी में क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज्यादा हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए हिंदी में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अनगिनत बार से तो इसीलिए मैं आपसे बात कहूँगा कि आप वीडियो को एक बार देख लें और इससे आपको हिंदी के एग्जाम में बहुत सारे कवर हो जाएंगे साथ ही साथ अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं यानी कि आपको क्लोज टेस्ट पूछे जा रहे हैं तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं और उसके अलावा शुद्ध अशुद्ध और वर्तनी भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं तो सबको वो याद नहीं रह पाता है तो इन सबको हटाने के बाद जो क्वेश्चन बचता है जो मोटा मोटा क्वेश्चन बचता है जो आपसे पूछा जा रहा है वो हम ले करके आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यह है हमारा WhatsApp नंबर अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है तो इस नंबर को नोट कर लें और हमें एग्ज़ाम होने के बाद व्हाट्सएप करके बता दें जितना जल्दी हो सके उतना तो चलिए आज हम हिंदी के क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का क्या अर्थ होता है तो क्या अर्थ होगा काम नहीं कर पाना और बहाना बनाना काम नहीं कर पाना और बहाना बनाना इसका दूसरा अर्थ होता है कि अपना दोस्त दूसरे पर मढ़ना अपना दोस्त दूसरे पर मढ़ना जैसे नाच नहीं आ रहा है लेकिन उसने आंगन को दोषी बता दिया है तो काम वो नहीं कर पाया और बहाना बना रहा है ये भी इसका होता है अपना दोस्त दूसरे पर मढ़ना ये भी होता है तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होता है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारे प्रयावाची शब्द हमने लिख दिए हैं याद अगर आप कर लेंगे तो आपको फायदा ही हो क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो इंद्र का प्रयावाची क्या हो जाएगा सुरपति पुरंदर महेंद्र देवराज देवेंद्र सुरेंद्र अमरेश नागपति और सुरेश भी इसका होता है दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और भी पर्यायवाची शब्द पता है याद आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं मैं भी जानना चाहूँगा कि और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द इंद्र के होते हैं और इसी के लिए अगर आप मान लो नेट का सहारा लेते हो या बुक का सहारा लेते हो तो वो आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही करेगा तो प्लीज़ अगर आपको याद है तो बताएं इसके अलावा आप अदर सोर्सेज का भी हेल्प ले सकते हैं इसका आंसर करने के लिए और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप ज़रूर उसका कमेंट करने का प्रयास करें अगर नहीं भी पता है तो आप कहीं से ढूंढने का प्रयास करें इससे आपका नॉलेज ही इन्हेंस होगा और क्या पता वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो फिर आपको बहुत फायदा हो जाएगा इसीलिए ऐसा जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कमेंट करने के लिए जरूर क्वेश्चन किया करें मतलब कि आंसर किया करें तो नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे ये प्रश्न पूछा गया है जो आंखों के सामने हो तो उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए हमने एक वीडियो मैराथन वीडियो बनाया हुआ है जो कि कुल 1800 वर्ड्स का है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो एक वीडियो है उस उस पर आप वो प्लेलिस्ट है उस पर आप विजिट करेंगे तो आपको एक दो घंटे का वीडियो मिलेगा आप उसे पूरा देख लें निश्चय ही एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा तीन चार क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में बन रहे हैं बाहर नहीं आएगा अगला क्वेश्चन है एक ही उधर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा तो उसे हम कहते हैं सहोदर एक ही उधर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है आगे देखते हैं सुधा का विलोम शब्द क्या होगा सुधा का विलोम शब्द गरल होता है सुधा का विलोम शब्द गरल सुधा का अर्थ क्या होता है आपको पता है सुधा का अर्थ है आपको अमृत सुधा का अर्थ होता है अमृत और गरल का अर्थ होता है विश गरल का अर्थ होता है विश चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कवियत्री का शुद्ध शब्द क्या होगा आप देख पा रहे हैं यहां पे जो कवियत्री लिखा हुआ है यहां इस जगह पे जो कवियत्री लिखी हुई है ये वाली ये एक गलत तरीके से लिखी हुई है और एग्जाम में आपसे क्या किया जा रहा था कि इस तरह से चार ऑप्शन दिए जा रहे थे डायरेक्ट चार ऑप्शन और उसमें तीन गलत प्रकार से लिखे जा रहे थे और तो एक इस तरह से सही लिखा जा रहा था तो आपको सही सेलेक्ट करना था तो यहां पर भी मैंने एक गलत लिखा है और आपसे एक सही लिख के बताया है तो ये कवि यत्री होता है कवि यत्री अगला देखते हैं हम यहां पे दही वह दही जमा रही है इसका शुद्ध वाक्य लिखे यहां पर आपको वह दही जमा रही है वाक्य लिखा हुआ वा था उसके चार ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा वाक्य शुद्ध होगा तो यहां पर दही। दही तो जमा तो हम दूध जमाते हैं दूध जमाएंगे, तो दही बनेगा चलिए देखते हैं इसी तरह से बहुत बार आपको आएगा कि मैं आटा पिसवाने जा रहा हूं तो आप आटा नहीं पिसवाने जाते हो आप गेहूं पिसवाने जाते हो आटा तो ऑलरेडी पिसा पिसाया होता है ये सब बातें ध्यान दी इंग्लिश इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो ये वर्ड्स का जो प्रॉब्लम होता है ये इस पर ध्यान देना चाहिए बहुत जगह बहुत से लोग बहुत से बच्चे इसमें कोई त्रुटि नहीं है मैं टिक करके आ गए थे जो कि गलत है अगला क्वेश्चन है यस का विलोम शब्द क्या होगा यस का विलोम शब्द क्या होगा तो अपयस यस का विलोम शब्द अपयस होता है अगला देखते हैं क्वेश्चन हम कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है कुबेर का पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं कुबेर के कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने तीन लिख रखे हैं बाकी आप मुझे हिंट करेंगे कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है पहला तो मैंने लिखा हुआ है क्या है धनेश धनद उसके अलावा यक्षपति तो इसके आप भी अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि, कि कुबेर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं चलिए आगे देखते अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न कृतघ्न कृतज्ञ के का जान का क्या होता है कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है तो कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला उपकार मानने वाला और उसी का उल्टा हो जाएगा उपकार ना मानने वाला तो वो हो जाता है कृतघ्न चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अनुज का विलोम शब्द क्या होगा अनुज का विलोम शब्द क्या होगा तो अग्रज अनुज का विलोम शब्द अग्रज होता है अगला देखते हैं हम आदान का विलोम शब्द क्या होता है आदान का तो प्रदान आदान प्रदान ये तो मिलता जुलता वर्ड ही है आदान प्रदान अगला क्वेश्चन देखते हैं आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो यहां पे हो जाएगा धोखा देना आंखों में धूल झोंकना धोखा देना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बिजली बिजली का पर्यायवाची क्या होता है तो इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं चंचला है चपला है दामिनी है विद्युत है और दोस्तों जितने भी पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आप उसके कुछ एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द कमेंट करके बताने का प्रयास ज़रूर करें निश्चय तौर पर आपको इससे फ़ायदा होगा तो मेरी बात पर भरोसा रखें और कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करें आगे देखते हैं अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो यह है मना कर देना मना कर देना और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ इसी एग्जाम में मदद करें आपको और भी कोई दूसरा एग्ज़ाम जो है जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो वहां पे आपको जरूर मदद करेगा इसके अलावा हमने हंड्रेड प्लस क्वेश्चन के वीडियो जी के अपलोड कर रखे हैं अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार विजिट कर लें जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर बनाया है हमने तो वो आप एक बार जरूर देखें बिल्कुल ही आपको उससे भी फ़ायदा होगा और यहाँ पे हिंदी हम अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा हर शिफ्ट का और मैं मैंने तो अभी इस बार शुरू किया है मैं आपको धीरे धीरे और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा पूछे गए प्रश्नों पर तो इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और उसके बाद उस बेल वाली घंटी को भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अर्जुन का पर्यायवाची तो इसका धनंजय होता है पार्थ होता है इसके अलावा हम इसे कौनतेय भी कहते हैं कौनतेय कुंती पुत्र कौनतेय अगला क्वेश्चन देखते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका है बिना प्रयास के फल मिल जाना बिना प्रयास के फल मिल जाना अंधे के हाथ अंधा तो जो व्यक्ति है उसके हाथ बटेर कैसे लगेगा तो वो अचानक से ही बटेर लगेगा तो अचानक से उसकी लॉटरी खुल गई उसे बिना ज़्यादा प्रयास किए ही उसे फल मिल गया अगला क्वेश्चन है भाग्य का विलोम क्या होगा यहाँ पर कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है भाग्य का विलोम क्या होगा तो ये आयोग इसका नहीं होगा भाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा भाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा आयोग नहीं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है भाग्य का विलोम आयोग नहीं होता है यहाँ पे यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो है भाग्य का तो इसे दुर्भाग्य होता है लेकिन ये जो है भाग्य नहीं है ये है योग्य ये है योग्य मुझे याद आ गया है ये है योग्य और योग्य का होता है अयोग्य अयोग्य ये आप नोट कर ले यहां पे लिख प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग मिस्टेक ह्यूमन एरर है ये तो भाग्य का तो दुर्भाग्य होता है और योगी का योग्य का अयोग्य होता है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बूढ़ा व्यक्ति डैश से परेशान है तो इस तरह से फिलर्स भी आ रहे हैं तो बूढ़ा व्यक्ति डैश से परेशान तो किससे परेशान है भाई बुढ़ापा से परेशान है ऑप्शन में जो दिया हो रहा है उससे बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापे से परेशान है बूढ़ा व्यक्ति जवानी से तो परेशान होगा नहीं आपको एज के अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए थे बचपन बुढ़ापा जवानी तो बुढ़ापा ही हो जाएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अकल का दुश्मन होना अकल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा बेवकूफ होना बेवकूफ होना अकल का दुश्मन होना यानी कि बेवकूफ होना अगला है हिम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है हिम का पर्यायवाची शब्द इसका होता है ओस पाला तुषार बर्फ जो ऊपर से गिरता है तो वही हिम होता है तो इसे ओस भी कहते हैं पाला भी कहते हैं तुषार भी कहते हैं तो बहुत सारे इसके भी पर्यायवाची शब्द होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध और क्रय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो जिस जिसने भी मैथ पढ़ा है वो तो क्रय और विक्रय जानता ही है इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं उल्लू बनाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा तो ये भी मूर्ख बनाना इसका अर्थ हो जाएगा उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा तो इसे हम मांसाहारी भी कहते हैं आमिश भी कहते हैं मांसाहारी या।, या आमीस जो मांस खाता हो और जो साग खाता हो शाकाहारी जो सब कुछ खाता हो सर्वाहारी जो फल खाता हो सिर्फ फलाहारी जो सिर्फ दूध पीता हो तो दुग्धा हाई इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में नेक्स्ट है गीता डैश गाना गाती है तो गीता मधुर गाना गाती है गीता मधुर गाना गाती है अगला देखेंगे कृपान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा कृपान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो ये होगा तलवार चंद्रहास खड़ग तलवार चंद्रहास खड़ग ये सब कृपान के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेक्स्ट है कृपन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा कृपन का विलोम शब्द क्या होगा तो ये होगा दानी कृपन का विलोम शब्द होता है दानी दानी कृपन यानी कि कंजूस और दानी यानी कि उदार हृदय वाला उत्कृष्ट यहाँ पे आप जो है उत्कृष्ट जो है ये एक गलत वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पे और यहाँ पे आपको उचित वर्तनी वाला शब्द बताना है तो ये उत्कृष्ट ना हो के उत्कृष्ट होता है लास्ट में ट होता है ना कि ठ और यहीं पे मैंने ये अंतर कर दिया है यही यहाँ पे रॉन्ग भी है अगला क्वेश्चन देखते हैं कोल्हू का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है कोल्हू का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अत्यधिक परिश्रम करना बिना थके अथक लगातार अब कोल्हू का बैल बैल जिस जिसे हम कोल्हू में बांध देते हैं वो क्या करता है लगातार उसके गले में क्या हो जाती है उसके गले में बांध दिया जाता है इस तरह से रस्सी और वो चारों तरफ गोल 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 घूमता रहता है उसके कोई काम नहीं होता सिर्फ़ वो गोल गोल घूमना ही उसका काम है तो वो क्या है कोल्हू का बैल होना वैसे तो आजकल ऐसे कोल्हू नहीं होते हैं जहाँ पे बैल क्योंकि अब मशीने आ गई हैं लेकिन पहले तेल वगैरह निकालने के लिए हम बैलों का प्रयोग करते थे कोल्हू का बैल जो कि अब मशीनों ने उसका जगह ले लिया है अगला क्वेश्चन देखते हैं आँखों के सामने हो जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष या अपरोक्ष भी इसका होता है प्रत्यक्ष या अपरोक्ष दोनों ही होते हैं जो भी आप टिक करना चाहें कर सकते हैं नेक्स्ट <coughs> है जो कभी <coughs> सॉरी जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए क्या होगा तो अजर जो कभी बूढ़ा ना हो अजर यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जर का मतलब क्या होता है जर का मतलब होता है बुढ़ापा जर का मतलब होता है बुढ़ापा और आगे अगर लगा दें हम अ तो ये हो जाता है अजर जर का मतलब बुढ़ापा और आगे लगा दे अ तो हो जाता है अजर तो मतलब हो गया बुढ़ापा और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जब अपने भगवान का पर्यायवाची शब्द बताते हैं तो उसमें अजर अमर ये सब भी बताते हैं यानी कि अजर जो है भगवान का पर्यायवाची शब्द भी है याद रखें आप अगला क्वेश्चन देखते हैं आंखें खुलना का अर्थ क्या है तो सच का पता चलना सच का पता चलना जैसे आपको सच्चाई से सामना होना यह भी होता है कि आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे और वो आपको लूट रहा हो तो अगर आपको ये पता चल गया कि अरे यार ये तो मुझे लूट रहा है तो उस दिन आपकी आंखें खुल गईं और आप दोस्तों क्या बताएंगे कि वो तो समय रहते मेरी आंखें खुल गई नहीं तो वो मुझे कंगाल ही बना देता यानी कि समय रहते मुझे सच्चाई का पता चल गया ये आप समझिए अगला है व्यवस्था का शुद्ध वर्तनी क्या है तो यहाँ भी मैंने ऊपर में जो लिखा हुआ है वो गलत है और नीचे वाला सही है तो ये व्यवस्था जो है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है और ये वाला सही है तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा शुद्ध वर्तनी समझ में आया होगा नेक्स्ट है गणतंत्र का, का विलोम शब्द क्या होता है राजतंत्र होता है गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र आगे देखेंगे अंग अंग टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है अंग अंग टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है तो थक जाना है इसका अर्थ क्या है थक जाना अंग अंग टूटना जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते हो तो कहते हो आज मेरा अंग अंग टूट रहा है इसका ये मतलब ये नहीं कि सच में टूट टूट के गिर रहा है आप बहुत ज़्यादा थक गए हो आपका बॉडी का हर एक पार्ट दुख रहा है यानी कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो काक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है काक का पर्यावाची शब्द क्या होता है तो खग होता है काग होता है पायस होता है कौआ भी होता है कौआ अंग्रेजी में क्रो जिसे हम कहते हैं तो ये सब क्या है काक के पर्यायवाची शब्द हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा कुंजर गज गजपति बहुत सारे इसके भी है इंद्रावत ऐरावत ऐरावत हाथी था एक जो इंद्र के पास तो उसे हम ऐरावत भी कहते हैं तो हाथी के बहुत सारे नाम हैं उपनाम भी है तो ये अगर आपको भी कोई याद है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट है कलेजा फटना का क्या अर्थ होता है कलेजा फटना का क्या अर्थ होता है अचानक से घबरा जाना अचानक से घबरा जाना जैसे कि मान लो आपके सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या होगा कि या फिर कलेजा फट गया आपका आपने अब आप क्या कहेंगे अगर आपके सामने कोई मुसीबत आए तो मेरा तो कलेजा ही फट गया ये देख के जैसे आप बहुत ज़्यादा भयावह घटना हुई तो आप देखिए घबरा जाओगे तो आपका कलेजा फट जाएगा यानी कि आप घबरा जाओगे अगला क्वेश्चन देखते हैं उदय का विलोम शब्द क्या होता है तो उदय का अस्त उदय का अस्त बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि जिसका उदय होता है उसी का अस्त होता है जिसका उदय उसी का अस्त होता है तो ये आप जानते ही हैं उदय का अस्त हो जाएगा सूर्योदय सूर्यास्त यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेघ होता है पयोध होता है पयोधर होता है जलधर होता है बहुत सारा इसका भी पर्यायवाची होता है जिसे जाना ना जा सके जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शुद्ध वाक्य क्या होगा अज्ञे जिसे जाना ना जा सके अज्ञे उसे हम कहेंगे नेक्स्ट है सर पर तलवार लटकना सर पर तलवार लटकना मुहावरे का क्या अर्थ है तो खतरा बना रहना खतरा बना रहना सर पर तलवार लटकना यानी कि खतरा बना रहना आगे देखते हैं जैसे कि सर पर तलवार आप समझ सकते हैं कि अगर आपके सिर पे तलवार लटक रही है हमेशा उसका क्या मतलब हुआ कि तलवार कभी भी आपके ऊपर पड़ सकती है तो खतरा अभी भी टला नहीं है बना हुआ है नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा गगन होगा आसमान होगा अंबर होगा व्योम होगा बहुत सारे चीज होते हैं तो आकाश का ये पर्यायवाची होता है परोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे परोक्ष का पर्यायवाची नहीं यहाँ परोक्ष का विलोम ही पूछा गया था ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे मैं विलोम कर दे रहा हूँ इसे विलोम 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 तो परोक्ष का परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष या अपरोक्ष प्रत्यक्ष या अपरोक्ष दोनों ही होता है यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है परोक्ष का विलोम है नेक्स्ट है जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ आगे देखते हैं कुआं का शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसे ये जो है एक गलत कुआं है ये वाला सही कुआं है ये कुएं से आप पानी पी सकते हैं ये कुआं पानी पीने लायक नहीं है ये गलत कुआं है भाई चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है पानी ये पानी यहाँ पे वो वाली पानी मत समझ लेना आप ये वाली पानी ये पानी अलग है इसका मतलब होता है हाथ और इसे कहते हैं कर और इसे कहते हैं हस्त इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते होंगे अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं आकाश को चुनने वाला नहीं भैया बहुत सारे मिस्टेक आज हो रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है आकाश को चूमने वाला आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है गगन या आकाश को छूने वाला आकाश गगनचुंबी गगन चुम्दी, दोनों ही कहते हैं हम याद रखें आप अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अस्थावर का विलोम शब्द जंगम जंगम या फिर चंचल भी इसका होता है चंचल अस्थावर मतलब क्या हो गया जो एक ही जगह पे रहे एक ही जगह पे स्थिर रहे और जंगम मतलब जो स्थिर ना रहे छटपट करता रहे जंगम हो यानी कि या फिर आप इसे समझ सकते हैं चंचल यानी कि जो चंचल नहीं होता मन चंचल होता है यानी कि इधर उधर भटकते रहता है पथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तो मार्ग होगा मग होगा राह होगा रास्ता होगा पगडंडी होगा बहुत सारे होते हैं रोड इंग, इंग्लिश में कहते हैं लेकिन रोड आजकल हिंदी में भी यूज होता है तो रोड होगा सड़क होगा बहुत सारे इसके होते हैं अलिए अगला देखते हैं हम लालिमा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो लालिमा लालिमा ये गलत है ये वाला सही है ये लालिमा सही है <coughs> आगे देखते हैं जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा जंगल का तो इसका क्या होता है अरण्य कानन वन और भी बहुत सारे होते होंगे आप कमेंट करके बताएंगे थलचर का विलोम शब्द क्या होगा थलचर थलचर का क्या मतलब होता है थलचर का मतलब होता है थल थल यानी कि जमीन और चर यानी कि चलने वाला तो थल पर चलने वाला या थल पर रहने वाले को थलचर कहते हैं तो ऊपर हो जाएगा नभचर नभचर यानी कि नभ में रहने वाला आकाश में रहने वाला आकाश में उड़ने वाला नभचर अगला है स्नेह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो इसका होता है घृणा घृणा स्नेह का घृणा नेक्स्ट है आवरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा तो कवच होता है पर्दा होता है आक्षादन का कवच होता है पर्दा भी होता है आगे देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है शशि है इंद्र है हिमांशु है चंद्र है बहुत सारे इसके भी हैं याद रखें चलिए तो दोस्तों यहीं पे अब समाप्त हो गए हमारे हिंदी के सभी पूछे गए प्रश्न उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें साथ साथ चैनल को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि आप शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सके वीडियो को शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें साथ साथ चैनल को नीचे के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें रेड कलर से सब्सक्राइब बटन अगर आपको दिख रहा है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दबा के सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाली घंटी को भी दबा दें तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो अगले वीडियो में आपसे यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इससे इस, इस पर आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं तो जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं बाकी आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी हमसे क्वेश्चन पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या फिर कोई आपकी फरमाइश है तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमसे ये बातें पूछ सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेता हूं मैं आपसे विदा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कुछ अच्छी बातों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नॉलेजेबल बातों के साथ जो आपको एग्जाम में एक या दो नंबर ग्रो करने में मदद करेगा तो दोस्तों लेता हूँ आपसे विदा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम